सभी को मेरा नमस्कार। मैं जानकी पांडे, एसबीएम मलेरकोटला, आज आपके सामने एक बार फिर लेकर के आ रही हूँ व्याकरण, जिसके अंतर्गत हम करेंगे समास। पिछले वीडियो में मैंने आपको समास की परिभाषा, समास का अर्थ और समास के पहले तीन भेदों के बारे में बताया था, तत्पुरुष समास, कर्मधारी समास और द्विगु समास। आज हम करने जा रहे हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के अंतर्गत जिस समास में, आपको पता है कि समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इस समास में, अव्ययी भाव समास में जो पहला पद है वह क्या है? अव्यय। अव्यय मीन्स जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार कोई भी बदलाव ना हो सके। जिस समास का पहला पद पूर्व पद अव्यय हो तथा प्रधान हो, मेन हो, उसे हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे कुछ उदाहरण मैं यहां पे आपको दूंगी। आ जन्म, यहां पे एक उदाहरण है आ जन्म। इसके दो पद देखिए, जो पहला पद है वो है आ और दूसरा है जन्म। तो इनको मिलाने से क्या बन गया? आ जन्म, कि पूरे जीवन भर। तो आ क्या है? अगर हम इसमें लिंग वचन के अनुसार कोई भी बदलाव हो ही नहीं सकता। और ये पूरा पद क्या बन गया? समस्त पद क्या बन गया? अव्यय। इसके अतिरिक्त यथा विधि, यथा पूर्व पद, विधि उत्तर पद, और इसमें भी शब्द क्या बन गया? यथा विधि। इसकी एक साधारण पहचान के लिए मैं आपको बताऊंगी। कि इस समास में अनु, आ, प्रति, भर तथा यथा, हर, प्र आदि शब्दों का प्रयोग होता है। और आप सब देखेंगे कि ये सारे क्या है, अधिकतर इनमें से क्या है? उपसर्ग। अधिकतर क्या है? आ भी उपसर्ग है, प्रति भी उपसर्ग है, अनु भी उपसर्ग है, प्र भी उपसर्ग है। कहने के लिए मतलब एक साधारण पहचान के लिए उपसर्ग, इसके पहले भाग में किसका प्रयोग होता है? उपसर्ग का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, हर दिन, प्रतिपल, हर पल, नीडर, नी प्लस डर, नीडर बिना डर के। इसके अलावा इस समास में जो रिपीटेड वर्ड होते हैं, जैसे धीरे धीरे, इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग होता है। और इसके अलावा रातों रात, बातों बात, बातों बात, इस तरह के शब्दों का प्रयोग भी हम अव्ययी भाव समास में करते हैं। कई बार एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द, जैसे हम बोल देते हैं बात बात में कि चाय वाय, कॉफी शॉफी, तो इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग हम अव्ययी भाव समास के अंतर्गत करते हैं। अगला समास है, समास का जो पांचवा भेद है वो है द्वंद समास। और इस द्वंद का अर्थ ही है विपरीत। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका अर्थ ही है विपरीत, कहने का मतलब है कि इसके दोनों पदों में क्या होगा? विपरीत भाव होगा। जिस समस्त पद के दोनों पद, इसमें दोनों ही पद प्रधान होएंगे तथा विग्रह करने पर, विग्रह मीन जब उनको अलग अलग किया जाएगा, तो उसमें और, एवं, या, अथवा आदि शब्दों का प्रयोग होगा। और इसके अलावा उनके बीच में योजक चिन्ह का भी प्रयोग लगेगा। जैसे एक मैं आपको उदाहरण यहाँ पे देती हूँ, अपना, पराया। अब आप देख रहे हैं कि ये एक दूसरे के विपरीत है, अपना जो अपना है, पराया जो दूसरा है। तो इनको दिखाने के लिए यहाँ पर हमने बीच में योजक चिन्ह लगा दिया। ऐसे ही मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ, पाप, पुण्य। ये भी आप देखें कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये पाप और ये पुण्य। तो बीच में हमने क्या किया? बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग कर दिया इनको दिखाने के लिए। और जब हम इसका विग्रह करेंगे, जब हम समास का विग्रह करेंगे, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको समास बनाने के बारे में ही बता रही हूँ, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो बीच में हम इस योजक चिन्ह को हटा देंगे और यहां पर पाप और पुण्य लग जाएगा।
इसके द्वंद समास के कुछ और उदाहरण देखें, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, देश विदेश, ठंडा गर्म, माता पिता, दिन रात, भाई बहन, हर कोई एक दूसरे का अपोजिट है, विपरीत है, और बीच में जब हमने योजक चिन्ह लगा हुआ है और जब हमने उसका विग्रह करना है तो हमने योजक चिन्ह हटाना है और वहां पर और, या, अथवा आदि शब्दों का प्रयोग कर देना है। समास का जो अंतिम भेद है वो है बहुव्रीही समास। बहुव्रीही समास में क्या होता है कि इसमें कोई भी पद, कोई भी ना पूर्व पद ना उत्तर पद, ये देखिए किसका उदाहरण, नील कंठ, दोनों पद है ना, इसमें ये पूर्व पद प्रधान है ना इसका उत्तर पद प्रधान है, लेकिन दोनों ने मिलकर के क्या किया, किसी विशेष अर्थ की ओर क्या कर दिया, संकेत कर दिया। जब जिस समस पद में कोई पद प्रधान नहीं होता और दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं, तो वही बहुव्रीही समास है। अब यहाँ पे एक उदाहरण है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, आप सबको पता है कि नीला है कंठ जिसका, हम एक विशेष व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं, शिव जी, हम शिव जी को बोलते हैं नीला है कंठ जिसका। कुछ और उदाहरण आप यहाँ पे देखिए, लंबोदर, अब इसमें दो शब्द है, एक है लंबा और एक है उदर, उदर मीन्स पेट, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर, ये भी एक भगवान एक विशेष व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है, तो लंबा है उदर जिसका, गणेश। दशानन, दस है आनन, आनन का अर्थ है यहाँ पे मुंह, जो मुंह की फेस की बात हो रही है, दस है आनन जिसके, तो ये हम हर किसी को तो नहीं बोल सकते, ये रावण के लिए ही इस शब्द का प्रयोग होता है। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, चार जिसके हाथ है वो कौन है, विष्णु जी, तो उनकी बात हो रही है। इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा कि हम ये तो किसी एक व्यक्ति को, जैसे विषधर, विष को धारण करता है जो, यहाँ पे सर्प की बात हो रही है, सांप की बात हो रही है, विषधर, विष को धारण करता है जो, तो इस तरह के जितने भी शब्द हैं वो बहुव्रीही समास के अंतर्गत आते हैं। और इसकी पहचान के लिए मैं आपको एक सिंपल सा वो बताऊंगी कि अगर किसी भी समास के एंड में जिसका या जिसके शब्द का प्रयोग हो रहा है और जो का प्रयोग हो रहा है, जैसे पंख में पैदा होता है जो, पंख माने कीचड़, यहाँ पे पंख का अर्थ है कीचड़, तो जो कीचड़ में पैदा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कमल। तो आपने याद रखना है कि जिसका, जिसके और जो शब्द अगर अंत में आ रहा है तो वो क्या है, बहुव्रीही समास है। तो समास को मैंने इस वीडियो में आपको सिर्फ समास बनाओ का ही मैंने इसमें कवर किया है इस वीडियो में। जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो में समास विग्रह, जो कि समास दसवीं कक्षा के एक बहुत ही प्रमुख विषय है, तो उस वीडियो में हम जल्दी ही करेंगे समास विग्रह के बारे में। धन्यवाद।